हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट 4। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट कमेंट्स के बारे में कि सपोज आपको कोई कमेंट करना है आपको किसी भी कोड को कि आपको आज वो कोड यूज नहीं करना बट आप चाहते हैं उस कोड को आगे जाके यूज करना और चाहते हैं उसी फाइल में वो कोड रहे, तो वो सारा कुछ देखेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइज। एंड जैसे कि गाइज मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया आपको ये जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी बताऊंगा। ओके गाइज, मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोड फॉर एजुकेशन यूजर नेम है उसका, ठीक है। एंड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अब बात करें यहां पे सबसे पहले कि कमेंट्स है क्या और कमेंट्स कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहां पे टाइटल रखा है आपका, तो यहां मैंने लिख रखा है आपका जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। ओके, एंड इसके बाद मैंने यहां पे इंट्रोडक्शन में छोटा सा ब्रीफ रखा है, उस ब्रीफ को देख लेते हैं पहले। कमेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूट ऑफ स्टेटमेंट। सिंपली पहले वाले लाइन में मैंने यहां पे बता रखा है कि जो कमेंट्स होते हैं ना वो आपका वो कोड को जो एग्जीक्यूट करते हैं ना उस टाइम पे आपके जितने भी स्टेटमेंट्स आपने जो भी आपने कोड में लिखे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर उस चीज को आपको बताने के लिए, इट मींस कि वहां पे वो कोड होगा बट वो वेब ब्राउजर उसको इग्नोर कर देगा। एंड उसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे कमेंट्स आर इग्नोर व्हाइल द कंपाइलर एग्जीक्यूट द कोड। देखिए साफ साफ नेक्स्ट वाली लाइन में लिखा है कि जब वो कंपाइल करता है ना जावास्क्रिप्ट अपने ही थ्रू वेब पे, तो क्या करता है कि लाइक उस चीज को वो इग्नोर कर देता है। एंड है इसके बाद आपका यहाँ पे कमेंट्स आर यूजर फ्रेंडली एज यूजर कैन गेट एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड यूजिंग कमेंट्स। मींस कि आपने कोई कमांड लिखा, ठीक है, इट मींस कि आपने कोई भी कोड लिख लिया, कोई भी कोड लिखने के बाद में आप क्या चाहते हैं कि उसके बारे में बताना चाहते हैं ये कोड किसके रिलेटेड है और इस कोड में क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं वहां पे कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और आपने ऑलरेडी देखा भी होगा जो थीम्स होती है आपके या प्रीमियम लेवल के कोड्स होते हैं, इट मींस कि प्रो लेवल के, तो वहां पे क्या होता है उस फंक्शन के बारे में और प्री डिफाइंड चीजें लिखी रहती हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये वेरिएबल क्या कर रहा है, इस फंक्शन के अंदर चीजें क्या चल रही है, ये सारा कुछ मेंशन करके रखते हैं हम वहां पे, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर कि ये चीजें होती कैसे हैं, तो यहां पे मैंने सिंटेक्स लिखा है इसका। एक होता है आपका डबल लाइन, इट मींस कि जो आपका डबल स्लैश होता है ना, तो डबल स्लैश के साथ में आप क्या कर सकते हैं सिंगल लाइन आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मल्टी लाइन को करना चाहते हैं बाद में आपको मिलता है यहां पे स्लैश, स्लैश के साथ मिलता है आपको हैशेस साइन का ऑप्शन, हैशेस साइन के बाद में आपको बीच में जितनी भी मल्टी लाइन रखनी है वो, एंड लास्ट में आपको हैशेस साइन एंड देन स्लैश। तो ये सारी के सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी अगर आपको किसी भी कमेंट करना है आपको कोड को जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से होता है। तो चलते हैं यहां पे अपने एडिटर पे। तो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहां पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम मैंने रखा है आपका पार्ट 4 javascriptcomments.html। एंड ये वही सेम फोल्डर है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स करने वाले हैं जैसे कि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे आपका HTML बना रखा है, टाइटल बना रखा है, ध्यान रखिएगा। टाइटल के बाद मैंने एक H1 ले रखा है जिसके अंदर मैंने लिखा है आपका जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। एंड इसके बाद ये मैंने प्रीवियस वाले कोड को ही रखा है क्योंकि मेरे को ज्यादा कुछ लिखना इसमें है नहीं, आपको मेनली वो आपको बतानी है चीजें जो कमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे कि ये चीजें कैसे दिखेंगी। तो मैंने इस चीज को ऑलरेडी ब्राउजर पे खोल रखा है, किसके थ्रू, लाइव सर्वर एक्सटेंशन के थ्रू। तो आप क्या करेंगे, चलेंगे यहां पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहां पे H1 दिख रहा होगा आपका जावास्क्रिप्ट कमेंट्स, एंड देन इसके बाद है आपका हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के बाद है आपका हेलो फ्रॉम कोड फॉर एजुकेशन, एंड देन उसके बाद है आपका डिव सेक्शन या सेक्शन जो भी मैंने वहां पे उसके साथ में अपेंड कर रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर सिंगल लाइन कमेंट कैसे होता है आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो देख लेते हैं पहले। तो यहां चलेंगे अपने एडिटर पे, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले सपोज मैं इसको करूंगा सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद में इसका शॉर्टकट क्या होता है आपका कंट्रोल प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल के साथ में आपका यहां पे स्लैश, ये देखिए जैसे मैं इसको प्रेस करूं तो उसके बाद देखिए यहां पे आपका डबल स्लैश आ जाएगा और ये कमेंट हो जाएगा आपका ग्रीन कलर से, ठीक है। अब आप क्या सोचते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट होगा या नहीं, तो देखिए मैं इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे, और यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए हमारे को वो जो कोड हमने कमेंट करा है ना वो ब्राउजर ने रीड ही नहीं करा। अब देखते हैं इसको कैसे, तो अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट में जाएंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे आपको यहां पे दिख रहा होगा H1 है, ठीक है। H1 के बाद में यहां पे आपको दिख रहा होगा B, इट मींस कि B है आपका, एंड डायरेक्ट आपका I, इट मींस कि जितनी भी चीजें आपने जो कमेंट करी थी ना वो चीज यहां पे ब्राउजर पे आ ही नहीं, इट मींस कि इग्नोर हो गई वो चीजें, ध्यान रखिएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करता जावास्क्रिप्ट जो भी चीजें उसे कमेंट में मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका कि सिंगल लाइन का कमेंट कैसे कर सकते हैं आप, वो मैंने आपको बताया। ये तो था आपका शॉर्टकट, अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट नहीं यूज करना तो किसी भी लाइन के आगे जाके आप डबल स्लैश लगा दें, एंड डबल स्लैश लगाने के बाद देखिए यहां पे आपका वो कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे मल्टी, इट मींस कि जो मल्टी लाइन होती है ना उसके लिए शॉर्टकट क्या अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा अब, तो मैं करूंगा यहां से सिलेक्ट, ठीक है,
सिलेक्ट करने के बाद में मैं अगेन यहां पे कंट्रोल प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ में मैं यहां पे करूंगा स्लैश। ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल के साथ में स्लैश करा तो देखिए यहां पे क्या हुआ, एक बार में सारी की सारी लाइंस के आगे आपके यहां पे देखिए क्या हुआ कि डबल स्लैश, इट मींस कि डबल स्लैश यहां पे आ गया। आपको क्या लगता है कि जितनी भी लाइंस यहां पे अवेलेबल हैं ये सारी की सारी प्रिंट होंगी वेब पे या नहीं? तो देखिए यहां पे चलते हैं सबसे पहले वेब पे, तो यहां करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए एक भी लाइन यहां पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। ठीक है, अब बात करते हैं, ये चीज तो हो गई आपकी डबल, इट मींस कि जो मल्टी लाइंस में भी आप डबल के साथ कर सकते हैं ना वो, और सिंगल लाइंस के लिए तो आपको मैंने बताया। ठीक है, और शॉर्टकट भी आपको मैं साथ बाय साथ बताते हुए चल रहा हूं। अब बात करते हैं इसके बाद में, सपोज मैंने इस चीज को यहां पे कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन मैंने आपको कैसे बताया था, स्लैश हैशटैग साइन का साइन, ये देखिए, एंड देन इसके बाद में आप लास्ट में करेंगे आपका हैशटैग साइन एंड देन स्लैश। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लास्ट में आपको ये लगाना चाहिए, सपोज आपको कोई कोड है। ठीक है, अब मैंने यहां पर ये कोड लिख रखा है, ये कोड मेरे को चाहिए था। ठीक है, अब ये चीज प्रिंट होनी चाहिए और ऊपर की तीन लाइन प्रिंट नहीं होनी चाहिए, तो कैसे ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं ये चीज लगाता ही नहीं तो देखिए ये क्या कर रहा है आपका, ये सारे के सारे कोड्स को क्या कर रहा है, कमेंट कर देगा। ठीक है, तो जब कभी भी आप इसको ओपनिंग, इट मींस कि ओपनिंग करेंगे स्लैश और हैशटैग साइन के साथ में, तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा आपका हैशटैग एंड स्लैश के साथ में। ठीक है, इट मींस कि अपोजिट अपोजिट हो जाता है आपका लास्ट में जाने के बाद में। तो मैं यहां पर इसको कर देता हूं कमेंट। ठीक है, कमेंट करने के बाद मैं इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे वेब पे, एंड वेब पे आने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए यहां पे आपको दिख भी रहा होगा डिव सेक्शन आ रहा है और बाकी जितना भी हमने कोड कमेंट करा है ना वो वहां पे विजिबल ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से आप मल्टी लाइन के कोड को भी कर सकते हैं, एंड मल्टी लाइन के साथ में आप सिंगल लाइन को भी आप कर सकते हैं, देन उसके साथ में आपका हैशटैग साइन का किस तरीके से यूज करके आप जितने एरिया को आपको कमेंट करना है ना जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर वो भी आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं पे मैसेज कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वाली क्लास में क्या होने वाला है वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स होते क्या है और इनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, सब कुछ कवर करेंगे थ्योरी प्रैक्टिकल। गाइस जब तक, टिल देन बाय गाइस।